तो ए क्रॉस बी हमें कार्तिक गुणन निकालना है, वो कार्तिक गुणन जो है वो एक्स कॉमा वाई टाइप का होगा, जहां एक्स ए का अवयव होगा और वाई बी का, ये करा जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो अवयव का कार्तिक गुणन होना है वो आ जाएगा पहला वाला अवयव ए का, बाद वाला बी का। अगला प्रश्न ये उठता है कि कार्तिक गुणन में अवयवों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न तो ये है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक, किताब पे ले लो, पहले वाले से तो नहीं मिलेगा, दूसरे वाले से, तीसरा वाला है। कह रहा है जी बराबर 7.8 और एच बराबर 5.4। अब आपको निकालना है जी क्रॉस एच, 7.8 गुणा 5.4 कॉमा। कार्तिक गुणन तो पेयर में आता है, त्रिमितीय गुण कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिमितीय। त्रिमितीय ये जो निकल कर आया है इसको कहते हैं ठीक। और त्रिमितीय गुण का मतलब हुआ कि इसका इंग्लिश में नाम है ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है इंग्लिश में इसका? ऑर्डर्ड पेयर, याद रखोगे। त्रिमित में क्या होता है लिखा नहीं है, तो इसका जो गुणन आएगा वो आएगा 7.5, 7.4, 7.2, 8.5, 8.4, 8.2, 8.2। एकदम ये सब अलग अलग। तो कार्तिक गुणन के जो अवयव होते हैं वो किरमिती अंग की तरह होते हैं, जिसमें पहला वाला एक्स का अवयव होता है और बाद वाला वाई, मतलब पहला वाला ए का अवयव होता है और बाद वाला बी का। अब एच क्रॉस जी पूछ लिया आपसे, मान लो एच कितना है 5.4.2 गुणा 7.8 कितना आ जाएगा 5.7, 5.8, 4.7, 4.8। ये निकल आया आपका एच क्रॉस, ये एच का कार्तिक गुणन निकल आया। अब बात करते हैं हम कार्तिक गुणन के अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। शॉर्ट में समझे, पहले मैं बता सकूँ ए क्रॉस बी एक साइड पीछे एल लिख दिया, इसका मतलब इसके अवयवों की संख्या लिखवा है। तो कार्तिक गुणन के अवयवों की संख्या होती है ए के अवयवों की संख्या गुणा बी का। इसमें कितने अवयव थे? दो। इसमें कितने थे? तीन। तीन तीन छह। इसमें तीन दोनों कितने हैं? छह। इसमें तीन थे, इसमें दो थे, कितने हैं? छह। एक और खास बात है कि अगर दो त्रिभुज युग्म आपस में बराबर है, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो x x के बराबर होगा और y y बराबर। पहला सवाल, पिछले वाले दो पॉइंट देखेंगे। यहाँ से मिला होगा x बटे 3 प्लस 1 बराबर 5/3 माइनस 2/3 1/3 के बराबर हो जाएगा y माइनस 2 बटे 3 बराबर 1। ये दोनों अक्सर अलग अलग है, कॉमा कॉमन कभी दूसरे कॉमा अलग अलग है, इनको मैं सॉल्व करने वाला है। x का मान कितना आ गया 5/3 माइनस 1 बड़ा तीन, और माई का मान कितना है 1/3 प्लस 2/3 की तो एक ही आ गया, और ये तीन एलसीएम लोगे 2/3 2/6 बड़ा तीन कितना आ गया 2 एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1। आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य बताना है, खुद बताओगे ये खुद करोगे। पांचवा सवाल, ए बराबर दिया माइनस ए कॉमा ए, और आपसे पूछ लिया ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अच्छा सवाल है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए लिखा दो, कितना आ जाएगा माइनस ए कॉमा ए, हाँ सर क्रॉस माइनस ए कॉमा ए, इसका त्रिमितीय गुण बनेगा कितना माइनस ए कॉमा माइनस ए
माइनस एक कॉमा एक, एक कॉमा माइनस एक और एक कॉमा कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ये क्या निकला? अब आपसे पूछते हैं उसने ए क्रॉस ए क्रॉस ए यानी माइनस एक कॉमा माइनस एक माइनस एक कॉमा एक माइनस एक और एक कॉमा एक जो है किसी भी त्रिमित गुणन होना है तो कार्तीय गुणन होना है माइनस एक कॉमा तो एक नया आ जाएगा माइनस एक कॉमा माइनस एक कॉमा माइनस एक क्यों माइनस एक कॉमा माइनस एक कॉमा एक क्या समझ रहे हो गया माइनस एक कॉमा एक कॉमा माइनस एक माइनस एक कॉमा एक समझ आ रहा है ए कॉमा माइनस एक कॉमा माइनस एक ढूंढो पैटर्न क्या चल रहा है ए कॉमा माइनस एक कॉमा एक फिर एक कॉमा माइनस एक और एक कॉमा एक कॉमा ये निकल आया ए क्रॉस ए क्रॉस ठीक है। पहले इस अवयव से इनका कार्तीय गुणन लिया ठीक है ये तो खुद ही कार्तीय गुणन के रूप में था ऐसे लेंगे तो एक और एलिमेंट बढ़ जाएगा इसमें कॉमा लगा के वो इसका एलिमेंट हुआ अगला वाला इसका एलिमेंट हुआ पहले से था फिर इस वाले को लिया दिस कॉमा माइनस वन दिस कॉमा वन फिर इससे अगले ठीक इनको लाया आपका इसके बाद इसका बहुत ही अच्छा सवाल है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है दस ये कह रहे हैं कार्तीय गुणन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए बराबर ये तो लैंग्वेज में बता देते पीछे एनालिटिक में बता दें इसमें सीधे हैं तो इसमें आपके नौ अवयव जिनमें नौ अवयव में से दो अवयव ये हैं माइनस ए कॉमा जीरो बिलोंग टू ए क्रॉस ए और जीरो कॉमा एक बिलोंग टू ए क्रॉस ये इसमें कि अगर इसमें नौ अवयव है उनमें से कोई दो अवयव ए समुच्चय ज्ञात करना है उसके बाद ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी क्या है। अच्छा ये बताओ कि अगर माइनस एक कॉमा जीरो इसका एलिमेंट है इसका मतलब माइनस ए भी ए का अवयव होगा एंड जीरो भी पहले वाले को बिलोंग करेगा बाद वाला अब यहाँ जीरो बिलोंग करेगा ए को और ए बिलोंग करेगा जीरो एंड ए बिलोंग करेगा कुल मिला के ए निकल आया माइनस एक कॉमा जीरो कॉमा टू ठीक। अब क्योंकि जो ए के अवयवों की संख्या है ए क्रॉस ए के वो नौ है ठीक है तो अगर मैं ये मानूं कि एन ए बराबर तीन तो एन ए क्रॉस ए कितना है परिभाषा से एन ए इंटू एन ए सर तीन इंटू तीन कितना आ गया नौ ये तो दे रखा है यस सर ये क्यों किया मैंने सर ये इसलिए किया कि कहीं इन तीन के अलावा और कोई अवयव तो नहीं है का यहाँ से तीन अवयव निकले अब अगर तीन नंबर है तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ है इसके अवयवों की संख्या तीन और हमें दे रखा है एक क्रॉस एक अवयवों की संख्या नौ तो हम एक क्रॉस एक अवयवों की संख्या इसकी सहायता से अगर निकालेंगे तो सूत्र अगर लगाए कि दो कार्तिक गुणन का अवयवों की संख्या जो होगी वो पहले वाले सेट के अवयवों की संख्या होगा दूसरे सेट के अवयवों की संख्या ये वाला और एक अवयव की संख्या कितनी है तीन 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 दिया नौ वो इससे मैच कर दी इसका मतलब केवल इसमें ये तीन ही अवयव ये कंफर्म अब क्या निकाल रहा है ए क्रॉस ए क्रॉस माइनस एक कॉमा जीरो कॉमा ए क्रॉस माइनस एक कॉमा जीरो कितना है माइनस एक कॉमा माइनस एक माइनस माइनस एक कॉमा जीरो और माइनस एक कॉमा एक फिर जीरो कॉमा जीरो कॉमा माइनस एक जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा एक उसके बाद एक कॉमा माइनस एक एक कॉमा जीरो एक कॉमा जीरो एक कॉमा एक और एक कॉमा ये आप निकाल दिया और देखते हैं इसमें कुछ कराने लायक हो तो हमें तो नहीं लगता आप ट्राई करना जो नहीं हो वो भी ठीक है संबंध पर बात करते हैं इसे कहते हैं रिलेशन
संबंध हमेशा एक सेट से एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में होता है। तो समुच्चय ए से बी में संबंध आर हो तो उसको लिखने का तरीका होता है आर एक संबंध है ए से बी, ये इसको लिखते हैं। ये संबंध होता क्या है, सवाल ये होता है, ठीक है। तो जब हम एक क्रॉस बी यानी कार्तिक गुणन निकालते हैं तो कार्तिक गुणन के सारे अवयव आ जाते हैं। तो इस कार्तिक गुणन के अवयवों में से कुछ अवयव लेकर मैं और समुच्चय बना सकता हूँ, क्यों? इसके दो अवयवों को लेकर भी एक समुच्चय बन सकता है। 7.5 7.4 लेके एक मैंने समुच्चय बना दिया, बन सकता है। इसे क्या कहेंगे हम, उप समुच्चय। किसी समुच्चय में से अवयवों को लेकर अगर हम कोई समुच्चय बनाते हैं उसका क्या नाम होता है, उप समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आप संबंध की परिभाषा पूछिए, क्या बताएंगे मैंने, कार्तीय गुणन के जितने ए से बी में उप समुच्चय होंगे, क्यों? तो ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होते हैं, दो की घात है। तो अगर मैं कहूं ए से बी में संबंधों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जाएगा दो की घात एन ए क्रॉस बी, और ये कितना होता है, ठीक है, दो की घात एन, दो की घात ए के अवयवों की संख्या गुणा दो की घात बी के अवयवों की संख्या, ये ए से बी में कुल जितने संबंध हो सकते हैं उनकी संख्या, ठीक है। चलो